नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं डीडी समाचार। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। सुकमा कोंटा में पत्रकारों के वाहन में गांजा रखने के मामले पर पुलिस की बड़ी कार्यवाही। थाना प्रभारी अजय सोनकर को किया निलंबित। थाना प्रभारी अजय सोनकर के खिलाफ मामला दर्ज कर भेजा गया जेल। सच की हुई जीत। कोंटा में पत्रकारों के वाहन में गांजा रखने के मामले पर पुलिस की बड़ी कार्यवाही। कोंटी टीआई अजय सोनकर किए गए निलंबित। पत्रकारों की शिकायत पर हुई जांच। सुकमा एसपी किरण चौहान ने दी जानकारी। टीआई अजय सोनकर के खिलाफ दर्ज हुआ एफआईआर। न्यायालय में पेश कर भेजा जा रहा है अजय सोनकर को जेल। छत्तीसगढ़ के सभी पत्रकार ने मिलकर किया था विरोध। पत्रकारों के साथ होने वाले ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हर जिले के सभी पत्रकार साथी अपने साथी के लिए आवाज बुलंद की है, जिसका नतीजा आज सच की जीत हुई। सर बताएं, थाना चिंतूर में जो एनडीपीएस का अपराध कायम दर्ज हुआ था, उसी संदर्भ में तत्कालीन थाना प्रभारी अजय सोनकर इनके खिलाफ सोशल मीडिया में आरोप लग रहा था कि टीआई अजय सोनकर द्वारा इसमें जो ओवरऑल प्रकरण में भूमिका संदिग्ध है, इस पे पत्रकार संघ के द्वारा शिकायत पत्र मिलने के बाद परमेश्वर तिलकवार इनके नेतृत्व में एक जांच कमेटी बैठाई गई। जांच कमेटी का निष्कर्ष कल मुझे मिला, उसी के बेसिस पे ये सामने आया है कि थाना प्रभारी अजय सोनकर इनके द्वारा 10 अगस्त के रात्रि में वो जो डीवीआर है सीसीटीवी का, उसको अपने कब्जे में लिया, जो कि एक अनधिकृत है और आपराधिक कृत्य है। उसी इस पूरे मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किया गया है।